आईपीएल 2024 में विराट कोहली का बल्ला चला, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल एक बार फिर फेल हुए। आईपीएल 2024 में एक बार फिर से आरसीबी ने अपना दूसरा मुकाबला पंजाब किंग्स के साथ खेला, जहां पंजाब किंग्स और आरसीबी के दरमियान मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी की, जहां पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शिखर धवन की शानदार 45 रनों की पारी और प्रभात सिमरन सिंह ने 25-23 रनों की पारी कैंप सैम करन ने खेली, जिसके बदौलत 176 रनों पे 6 विकेट 20 ओवर में पंजाब किंग्स ने गंवाई। जहां लक्ष्य का पीछा करने उतरे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से कप्तान फैब डुप्लेसी ने 3, जहां कैमरन ग्रीन ने 3 रनों की पारी, रजत पाटीदार ने 18 रन और ग्लेन मैक्सवेल ने 3, जहां विराट कोहली ने अकेले ही 77 रनों की पारी खेली। 49 गेंदों में 77 रन विराट कोहली ने, 11 चौके और 2 छक्के लगाए और इस मुकाबले को आसानी के साथ 19.2 ओवर के साथ रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम जीत गई है। और ये मुकाबला आसानी के साथ बेंगलुरु की टीम 4 विकेट से जीत गई है और आईपीएल 2024 की पहली जीत रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को मिल गई है और विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिल चुका है और विराट कोहली का पहला अर्धशतक आईपीएल 2024 में लगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।